कानपुर कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस ने महाकाल मंदिर के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। विकास दुबे की गिरफ्तारी की सूचना मिलने के बाद शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिजनों का भी बयान सामने आया है। कानपुर शूटआउट में शहीद हुए सिपाही बबलू कुमार के परिजनों ने विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर यूपी पुलिस पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। शहीद सिपाही बबलू कुमार के माता पिता ने कहा कि मध्य प्रदेश में हुई विकास दुबे की गिरफ्तारी से उत्तर प्रदेश की नाकामी झलकती है। उसे दुदांत विकास दुबे को शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार को सौंप देना चाहिए और उसको तड़पा तड़पा कर मारना चाहिए जैसे उसने बहादुर पुलिसकर्मियों को मारा था। मेरा नाम महावीर सिंह। जोर से बोलिए, क्या नाम है आपका? महावीर सिंह। कौन से गांव से? गोबर पांडे। अच्छा, जैसे कि आज जो आपके बेटे का जो आरोपी था, आज जो पकड़ा है, सुबह पुलिस ने पकड़ा है, किस तरह की आप सरकार से मांग करते हैं? मांग हम जी करते हैं कि जो हमारे इसमें तो दिखाई दो, हमें सामने देख के बोलिए। हाँ, मौजूद है। हाँ, और दिखाऊ नहीं तो एक गोड़ एक बाएं कटनी चाहिए। अच्छा सर, वो जान तेरे मन में चाहिए। अच्छा, मतलब दर्दनाक वो मौत देना जो हमें लड़का हम आप खत्म होते थे वो होने चाहिए। वो होना चाहिए, गड़त हाथ कटना चाहिए, पहले जी बकाते पाए। अच्छा, गुड़ा। हाँ, और या जी हाथ काटने चाहिए, मुंडो मुंडो रही। मतलब आपके हिसाब से दर्दनाक मौत मिलनी चाहिए उसे। हाँ, जो ऐसे आगे भविष्य में कर, हाँ, जो आगे फिर करेगा तो फिर वो तो झुकेगा तो फिर करेगा, बोले फिर लड़का ने मारेगा। अच्छा, हाँ, यही आपकी मांग है? ऐसे ही मरे, नहीं जानते नहीं मानना चाहिए। जानते मरेगा तो पता कहाँ पर क्या मैंने कौन सा काम करो। और बाकी लड़का जो दुए के ये कहते इंग्लैंड के आए के, लड़का माननी चाहिए। तो मतलब आप इस तरह की सजा चाहते हैं जैसे कि आगे भविष्य में वो कभी ऐसा ना कर पाए। बाकी चीला चांग उठी रहेगा ही होंगे हमें। हाँ, उनको भी सेफ बिल्कुल गिरफ्तार हो। ऐसो को ऐसा तो चाहे होना चाहिए कि नाट ही होनी चाहिए ऐसो की। अच्छा, जिसने उन्होंने सहयोग किया है, उसका विकास दुबे का, उनको भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो गाड़ी ने काड़ के, हाँ, और इतने नौका इधर ही के वो पुलिस आ रहा है, इतने नौका दे के खाना बन रहा हुआ है। चलो भाई, हाँ, तो जो जो आरोपी उनका साथ दिया विकास दुबे का, उनको भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तैयारा कर दें, हाँ, गाड़ी भेज दें, भोरस वो आ रहा हुआ है, ये सुने का ये बात भोरस वो आ रहा हुआ है। सभी आरोपी को कड़ी सजा की मांग करते हैं। सजा मिलनी चाहिए, कहने का दस्तना होनी चाहिए। तो भाई देखे तो लेंगे कौन से बनता को का चक करेंगे, और जी कहाँ कहाँ के यूँ पता होते तो मैं जी ऐसू कहाँ को अच्छी आपका मेरा नाम है बेगम। अच्छा, आपके बेटे का जो आरोपी था आज पकड़ा गया है, किस तरह की आप सरकार से मांग करते हैं सजा के लिए? हम सरकार से ये मांगते हैं, जैसे मेरे बेटे की हत्या किया था, जय मैं उसकी हत्या चाहती हूँ। अच्छा, तुम पे किसकी हत्या नहीं हो तो मुझे मेरे सामने ला के कर देना। मैं उसकी, मैं और मेरा बड़ा बेटा उसकी हत्या किया जाएगी हाथों से। जब मेरी आत्मा ठंडी हुएगी, उसने मेरा बेटा दिया था माँ, और उसके बच्चे छुड़ानी चाहिए, उसकी फांसी दिलानी चाहिए। फांसी, फांसी की मांग करती हैं आप? शहीद बबलू कुमार के भाई ने कहा कि आरोपी विकास दुबे का एक हाथ और एक पैर काट देना चाहिए और उसका उसी बिकरू गांव में एनकाउंटर किया जाना चाहिए जिससे उत्तर प्रदेश के दूसरे अपराधियों को सबक मिल सके। मैं दिनेश कुमार बबलू सिंह का भाई, जब आज विकास दुबे पकड़ा गया है इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि इसको ऐसी कड़ी से कड़ी मौत दी जाए, सजा तो नहीं मौत, क्योंकि इसका एक तो पैर काटा जाए, एक हाथ, फिर इसको पूछा जाए क्यों तूने पुलिस प्रशासन के साथ ये किया, जाने कितने इंसानों की इसने जान ली है, सबका इसका मलाल जब ही होगा इसे, जब इसको ऐसी मौत दी जाएगी। और इसलिए मेरे भाई की आत्मा ठंडी होंगी और हमारी भी होंगी। इसने बहुत गलत किया है कि आज हमें दुख देखा नहीं जा रहा है। इसको पुलिस प्रशासन और ये मंत्री अंतरियों से मेरा कहना है कि इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, मौत। कैसा लग रहा है आपको आज विकास दुबे पकड़ा गया है? विकास दुबे पकड़ा गया है तो ऐसा लग रहा है कि अगर हमारे सामने होता तो हमारी आत्मा को संतुष्टि आएगी। ऐसे दूर से क्या होता है, कैसे हमारा दिल खोल रहा है, हमारे सामने होता तब जब इसको पता चलता कि क्या होता है क्या नहीं होता है किसी को।
आपको बता दें कि कानपुर के बिकरू गांव में 2 जून की रात हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी। हमले में सीओ सहित 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। इनमें आगरा के फतेहाबाद क्षेत्र के पोखर पांडे निवासी सिपाही बबलू कुमार भी शामिल थे। इस घटना के बाद से मुख्य आरोपी विकास दुबे फरार चल रहा था। आगरा से बृजभूषण की रिपोर्ट।